Good morning students, how are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn Nutan Abhinav Hindi Pravishika part 2. चलो, last video में हमने उन का उ और उट का उ वहाँ तक पढ़ा था, है ना? फिर आप लोगों ने activity की होगी आगे. ये सारी activity आपने आपकी book में की होगी. आज हम आगे की activity देखते हैं. चलो, यहाँ पे देखो, चित्र देखो और वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाओ. लुक एट द पिक्चर एंड मेक वर्ड बाय यूजिंग लेटर. यहाँ पे आपको पिक्चर दिए हैं, उस पिक्चर को देखना है और फिर उस पर आपको शब्द बनाने हैं. जैसे ये पिक्चर है झूला, तो हम लिखेंगे झूला. ये है कबूतर, तो हम लिखेंगे कबूतर. ये दूध है, तो हम लिखेंगे दूध. इसे हम सूरज कहते हैं, तो लिखेंगे सूरज. इसे हम त्रिशूल कहते हैं, तो हमें लिखना है यहाँ पे त्रिशूल. ये भालू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भालू. फिर इसे हम डमरू कहते हैं, तो हमें लिखना है डमरू. ये खजूर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे खजूर. इसे हम लट्टू कहते हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना है लट्टू. और ये किसका पिक्चर है? बंदूक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बंदूक. तो इस तरह से आपको भी आपकी बुक में ये पिक्चर्स के नाम लिखने होंगे, ठीक है? चित्र पहचान कर कोष्टक भरो. आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड फिल इन द बॉक्स. हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पिक्चर दिए है और उसके नाम भी दिए हैं. यहाँ पे आपके बुक में खाली बॉक्स होगा, उसमें आपको क्या करना है. जैसे ये पिक्चर कबूतर का है, तो हम लिखेंगे कबूतर. ये किसका पिक्चर है? अंगूर, तो हम लिखेंगे अंगूर. इसी तरह से ये है भालू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भालू. और ये है आलू, तो हम लिखेंगे आलू. चलो, उसी तरह से यहाँ पे देखो, ये सूरज का पिक्चर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सूरज. और ये है खजूर, तो हम लिखेंगे खजूर. चलो, अब देखो, ये जो पिक्चर है त्रिशूल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिशूल. और ये पिक्चर है स्कूल का, तो यहाँ पे हमें लिखना है स्कूल. उसी तरह से इसे हम तराजू कहते हैं, तो यहाँ पे त रा लिखा हुआ है, तो जू लिखना है. फिर ये धतूरा, जो फूल होता है ना धतूरा का, वो है, तो हमें लिखना है ध तू. यहाँ पे रा लिखा है. चलो, उसी तरह से ये है लट्टू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लट्टू. और ये है आपके पसंद के लड्डू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लड्डू. तो आपकी बुक में आपको इस तरह से यहाँ पिक्चर जो दिए है और बॉक्स दिए, वो बॉक्स आपको भर के पिक्चर के नाम लिखने हैं. चलो, आगे की एक्टिविटी देखते हैं हम. चित्र देखो, गोला करो और वह शब्द लिखो. लुक एट द पिक्चर, सर्कल द वर्ड एंड राइट इट. यहाँ पे चित्र दिया है, यहाँ पे बॉक्स में उसके नाम दिए हैं, तो आपको क्या करना है, पहला नाम चित्र देखना है, उसका नाम यहाँ पे फाइंड आउट करके उस पर सर्कल बना के फिर वही पिक्चर का नाम आपको यहाँ पे लिखना है. चलो, ये भालू का पिक्चर हमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया है. चलो, अब यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या है, ऊन. तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ये रहा मैंने किया हुआ है, ऊन आपको यहाँ पे लिखना है. चलो, इसे हम कहते हैं खरबूजा. तो देखो, यहाँ पे खरबूजा ये रहा, तो हमने इस पर पहले सर्कल बनाना है, फिर आपको वो नाम यहाँ पे लिखना है. चलो, इसे कहते हैं हम त्रिशूल. तो आपको पहले यहाँ पे त्रिशूल पे सर्कल बनाना है, ये नाम पे, फिर यहाँ पे लिखना है त्रिशूल. चलो, छूटा हुआ अक्षर लिखो. राइट द मिसिंग लेटर. यहाँ पे सबसे पहले है पालतू. तो यहाँ पे जो नाम दिया है उसमें से कौन सा नंबर नाम मिसिंग है, वो नाम आपको अक्षर आपको लिखना है. जैसे यहाँ पे तू मिसिंग है, तो हम लिखेंगे तू. चलो, इसी तरह फूल, तो यहाँ पे फू मिसिंग है, तो हम लिखेंगे फू. चलो, ये रहा खुशबू, तो यहाँ पे बू मिसिंग है, तो हम लिखेंगे खुशबू. यहाँ पे आलू, तो ये रहा लू मिसिंग है ना, तो लू लिखेंगे. धूप, तो यहाँ पे धू लिखेंगे. सूरज, तो यहाँ पे सू लिखेंगे. उसर, तो यहाँ पे ऊ मिसिंग है, तो ऊ लिखेंगे. चूहा, तो ये रहा चू मिसिंग है, तो हम चू लिखेंगे.
समझ में आ गया ना आपको? चलो कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो, फिल इन द ब्लैंक्स बाय द सिलेक्टिंग वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कोष्टक दिया है उसमें से सही पिक्चर का नाम यहाँ पे खाली जगह में लिखना है। जैसे ये पिक्चर है तराजू का, तो यहाँ पे लिखा है रतन तराजू ला। चलो अब ये है आकाश आलू खरीद, यहाँ पे आलू का पिक्चर है ना, तो हमें आलू लिखना है। चलो उसी तरह से यहाँ पे है पूनम झूला झूल, ये डमरू का पिक्चर है, पूजा डमरू बजा। इस तरह से आपको खाली जगह कंप्लीट करनी है। चलो यहाँ पे समान शब्दों को जोड़ो, मैच द सेम वर्ड। ऊन लिखा है तो उनके साथ जोड़ना है, ये लिखा है ऊपर तो ये रहा ऊपर, फिर ये है चूहा तो ये रहा चूहा, सूरज तो लिख दो सूरज कहाँ है, ये रहा ऊपर है ना सूरज, तो हम यहाँ पे ऊपर जोड़ेंगे, खजूर ये रहा खजूर, कबूतर ये रहा कबूतर, और अंगूर ये रहा अंगूर। तो इस तरह से आपकी बुक में भी आपको ज्वाइन करना है। क्या पढ़ो और लिखो, रीड द सेंटेंस एंड राइट। देखो यहाँ पे लिखा है राजू बाजा बजाता है, तो हमें सामने वही सेंटेंस लिखना है, राजू बाजा बजाता है। उसी तरह से सूरज पूरब में निकलता है, तो आपको वही सेंटेंस यहाँ पे रीराइट करना है, यानी फिर से लिखना है सूरज पूरब में निकलता है। कानन ऊन ला, तो आपको यहाँ पे लिखना है कानन ऊन ला। गाय पालतू पशु है, तो आपको वही सेंटेंस यहाँ पे लिखना है। तो समझ में आ गया ना, इस तरह से आपकी बुक में आपको एक्टिविटी करनी है।